जो इंसान भगवान की सबसे ज्यादा पूजा करता है वो फिर भी दुखी क्यों रहता है? मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी मैं इतना ज्यादा परेशान हूँ। जब से पूजा पाठ शुरू किया है तब से और ज्यादा परेशान हूँ। कुछ ना कुछ बुरा ही होता है मेरे साथ, मेरा तो पूजा पाठ पर यकीन ही नहीं रहा। जब ये सब करके भी परेशान हूँ तो इससे अच्छा कि ना ही करूँ। अक्सर लोगों के मुंह से यही सुनने को मिलता है। कभी मैं भी इसमें से एक हुआ करता था। ये सब प्रारंभ का खेल है। कहते हैं प्रारंभ तो भोगना ही पड़ेगा, अगर गुरु कृपा हो तो अलग बात है। जब आप अपने इष्ट को पूजते हो, उसकी भक्ति में डूब जाते हो, एक ही पिता या माँ की तरह उन्हें याद करते हो, हर चीज कुछ नया खरीदा, कुछ दुविधा या कुछ भी उनके सामने बात करते हो, जब आप उन्हें पाने को आतुर हो तो इष्ट भी आतुर हो जाते हैं कि मेरा बेटा, मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, मुझे भी मिलना है, पर कैसे कैसे मिले? बीच में पारब भी आड़े आ जाता है। इन्हें काटना होगा, जल्दी से काटना होगा, तभी भक्त का अपने प्रभु से मिलन संभव है। पहले ये समझिए कि प्रारंभ से परिस्थितियां मिलती हैं। अब ये आपकी क्षमता पर निर्भर करता है कि चाहे तो तर जाए, चाहे हिम्मत हार के डूब जाए। जब आप भक्ति में डूबते हैं तो प्रारंभिक से परिस्थिति आपको एक साल बाद मिलने वाली थी वो कुछ ही महीनों में आ जाती है, और उनके अगले साल बाद मिलने वाली वो भी जल्दी ही। इस तरह से ये क्रम चलता है। मान लीजिए अंतिम परिस्थिति जो आपको 12 साल बाद मिलने वाली थी वो आपको 30 साल में ही मिल जाए, आप सोचोगे ये क्या हो गया? जैसे ही सोचता हूँ कि मुसीबत टली तो अगले ही महीने फिर कोई एक नई मुसीबत सामने आ जाती है, जैसे कि मुसीबतों ने दामन पकड़ लिया हो। पर इष्ट आपको सहन करने की क्षमता भी देते हैं ताकि हर मुसीबत से आप निखरे और जल्द ही आप अपने पूरे प्रारब्ध भोग ले। कुछ एक सालों में जिन्हें आपको भोगने में कई साल लगने वाले थे और बाकी जिंदगी खुशहाल जीवन जिएंगे, उस खुशी का एहसास करेंगे जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। ईश्वर ना तो हमें दुख देता है और ना ही सुख देता है, हमें अपने ही द्वारा किए गए गलत कार्यों का कारण दुख मिलता है और अपने ही द्वारा किए गए अच्छे कर्मों के कारण सुख मिलता है। जब हम कोई गलत कार्य करते हैं हमें इस जन्म में उसकी सजा ही मिल जाती है, किसी कारण से तो हमें अगले जन्मों में भी उस सजा को भोगना पड़ता है। आपने कोई गलत काम करके अच्छा कर लिया तो सजा नहीं मिलेगी, सजा तो मिलेगी लेकिन आपने अच्छा कार्य करके उस सजा को आगे बढ़ा दिया, अर्थात वह सजा अब आप ना भोग कर बाद में या अगले किसी भी जन्म में भोगेंगे, लेकिन भोगेंगे अवश्य। जब आप अगला जन्म लेंगे यही गलत कार्य की सजा आपकी कुंडली में दुर्योग का निर्माण करे, और फिर किसी ज्योतिष से दिखाओगे तो वह आपको यही कहेगा शनि ने आपके ये कर रखा है, मंगल ने आपको ये कर रखा है, राहु या केतु गलत जगह बैठे हैं। ऐसे ही कुछ कानों को अप्रिय लगने वाले शब्द आपको कहेंगे, लेकिन सच्चाई तो होती है ग्रहों का कोई दोष नहीं होता, सच्चाई तो कुछ और होती है, इसमें ग्रहों का कोई दोष नहीं होता। हमने ही ऐसे कुछ गलत कार्य किए होते हैं जिसके कारण हमें ये दुख और रोग और दरिद्रता भोगनी पड़ती है। इसी प्रकार जिस मनुष्य ने बहुत ज्यादा संख्या में जाप तप पुण्य किए होते हैं और वह मनुष्य किसी कारण से उसका फल नहीं भोग पाता तो उसका वह फल उसे अगले जन्मों में भोगना पड़ता है। अगले जन्मों में
उसकी कुंडली में सब ग्रह अनुकूल अवस्था में मिलेंगे और उसके सभी भाव नक्षत्र पूर्व बलवान अवस्था में मिलेंगे। बताओ इसमें भगवान का कहां दोष है? हमें जो मिला अपने ही अच्छे बुरे कर्मों का नतीजा है। फिर कहते हैं कि हम इतना पूजा पाठ करते हैं फिर भी भगवान हमें दुखी रखते हैं। अक्सर हमारे कर्मों का फल ही हमें भोगना पड़ता है। तो दोस्तों आज की ये जानकारी कैसी लगी कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं और हाँ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।